टेबल के दोनों कंपार्टमेंट को अगर फ्रीज़र बनाना है तो ये बटन प्रेस कर लें, इसको ऑन कर लें, और इसकी जो नॉब की पोजीशन है इसको आप अपने हिसाब से फ्रीज़र, अगर आप प्योर कूलिंग चाहिए तो फिर इसको मैक्स पे ले जाएं। और अगर आपने एक कंपार्टमेंट रैप और एक फ्रीज़र बनाना है तो आप नॉब को जो है वो अपने हिसाब से कूल पर या फिर आर रैप पर सेट कर लें और बटन को ऑफ कर दें। दोनों फ्रीज़र को बना दोनों कंपार्टमेंट को फ्रीज़र बनाने के लिए बटन को ऑन कर लें और नॉब की पोजीशन को मैक्सिमम साइड पे ले लाएं। एक कंपार्टमेंट को रेफ एक को फ्रीज़र बनाने के लिए बटन ऑफ कर लें और इसकी नॉब की पोजीशन को रेफ या सील या कूल पे ले सेट कर दें।